और राइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम फिर से खेले जा रहे हैं GT5। तो लास्ट गेम प्ले के अंदर आपने देखा था कि कैसे हमने जिमी को बचाया था उन लोगों से, जो गैंग थी एक, पता नहीं वो कौन थे, और वो जिमी की जो याद थी वो भी लेके चले गए थे माइकल की, और मेरी माइकल से बात हुई थी उसके साथ बिजनेस करने के लिए। तो बाकी वो बात तो मैं उससे पूरी नहीं हो चुकी क्योंकि वो पहले घर चला गया था, उसकी गाड़ी वगैरह खराब हो गई थी। वो आप वीडियो देख लेना, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा। तो अभी क्या हुआ कि जो हमने जो बाइक चुराई थी ना वेक्स गैंग से, तो वो लोग जो हमें फोन करके काफी ज्यादा तंग कर रहे थे और काफी ज्यादा हमको गालियां वगैरह दे रहे थे और हमें मारने की धमकी वगैरह दे रहे थे। तो अभी मेरे पास लमार आया था, वो बोल रहा है कि मैंने एक बंदे को देखा है कि उसकी गैंग का जो हमें फोन करा ना, उसके फोन को ट्रैकिंग वगैरह करके मैंने उस बंदे का पता लगाया। तो अभी हम उस बंदे के पास जा रहे हैं, मैं और लमार है मेरे साथ, और साथ में उसका एक डॉग है, उसका नाम चोप है, और मैंने एक बहन ले लिया। ये मेरी नहीं है, ये लमार की बहन है, काफी अच्छी है। तो ये बोल रहा है कि अभी हम उसके पास जाते हैं, उस बंदे से बात करते हैं। अभी लमार बता रहा है कि वो रस्ते के अंदर रह गई वाइनवुड के अंदर, तो अभी मैं वहां पे जा रहा हूँ और उस बंदे से जाके बात करते हैं डायरेक्ट कि भाई यार तेरे को क्या दिक्कत है। अगर वो सीधा माना तो हमारी बातों से तो अच्छी बात है, वरना उसको ठोक देंगे, या फिर वैसे ठोक तो नहीं सकते क्योंकि वो जो वेक्स गैंग है ना, वो काफी ज्यादा खतरनाक गैंग है, काफी ज्यादा लोग उनके साथ, तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी बहुत। तो अभी मैं उनके पास जा रहा हूँ और मेरे पास साथ ले मार है। अबे यार ये ठोक दी मैंने यार फिर से, यार मैं कभी गाड़ी अच्छे से क्यों नहीं चला पाता हूँ। और गाइस, तो जो लिमार ने लोकेशन बताई थी वहां पे तो मैं आ चुका हूँ, और शायद से यही बंदा होना चाहिए। और ये किससे बात कर रहा है? ओके, तो अभी लिमार आ चुका है, बात करते हैं उस बंदे से। पता नहीं भाई, पहले मेरे को मास्क लगा लेना चाहिए क्योंकि वहाँ पे एक लड़की है, क्योंकि वो मुझे पहचान लेगी तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हम इससे तो लफड़ा करेंगे। अगर वो उन गैंग वालों को बता देगी ना तो काफी ज्यादा मुश्किल होगी। और अभी मैं उस बंदे से बात कर लेता हूँ और पूछ लेता हूँ उससे क्या दिक्कत है भाई, कहीं लेवार इस बंदे को मार ना डाले, क्योंकि उसने जो वहाँ पे जो हम बाइक चोरी करने गए थे ना, वहाँ पे इसने बंदे ने पंगा ले लिया था। यार अगर लेवार ने इस बंदे को मार दिया था ना, काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वेगस गैंग के अंदर काफी ज्यादा मेंबर है, तो वो हमारे कुछ जान पहचान के तो उन लोगों से है नहीं, इसलिए वो लोग हमें मार पीछे लग जाएंगे, इसलिए काफी ज्यादा दिक्कत हो सकती है। ओ भाई, लेवार ने गन निकाली है और इस लड़की को जाने के लिए बोल दिया है, तो ये लड़की साइड से पता नहीं कौन। ओ भाई भाई, बच गया, बाल बाल, इसने मेरे ऊपर बाइक चढ़ा दी थी। अभी मैं क्या करता हूँ कि इसे बेल गए बेल लेके इसका पीछा करना होगा, क्योंकि अगर ये अपनी गैंग से जाके बता देगा कि मुझे ले मार और फ्रेंकली मुझे मारने के लिए आए थे, तो यार इसकी गैंग जो हम पे हमला कर सकती है। और हम अभी क्या करते हैं कि हम अपनी आर्ट के घर पे रहते हैं, अपना खुद घर तो है नहीं, क्योंकि हम कल देख कर आए थे जो अगर वो अभी हमने लिया नहीं है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है यार, तो इसलिए मुझे थोड़ा संभल के काम करना होगा। अब यार मैं जाता हूँ उस बंदे का पीछा करता हूँ और उसे पीछा करके साइज से हमें मारना होगा, क्योंकि ये दिक्कत कर सकता है ये बंदा। अभी मैं जाता हूँ और वो काफ़ी ज़्यादा दूर निकल चुका है मुझसे, और उस क्योंकि उसके पास बाइक है यार, मेरे पास वैन है, और उस वैन की इतनी ज़्यादा स्पीड भी नहीं है, और मुझे लगता है कि मुझे गाड़ी लेनी होगी। अबे यार से इतनी जल्दी वो निकल जाएगा यार, क्या कर रहा है। ओके भाई, तो यहाँ पे ट्रैफिक, अबे यार साइड को कर लिया अपनी गाड़ी को यार, क्या है ये लोग गांजा घूम के चलाते हैं। और रेड गाइस, तो उस बंदे का पीछा करता करता मैं काफी ज्यादा दूर आ चुका हूं। ओ भाई, उस बंदे का बस के साथ एक्सीडेंट हो चुका है, ये भाई काफी सही सीन हो गया, क्योंकि अगर मैं अपनी वैन से पीछा करता ना तो ये बंदा मेरे हाथ नहीं आता। तो बस मैं एक काम करता हूँ, चोप को अपने साथ ले लेता हूँ, और फ्रेंकली सॉरी लेमार को मैंने बोल दिया कि तू गाड़ी लेकर आ, और मैं इसका चोप के साथ पीछा करता हूँ उस बंदे का, और वो भाग चुका है, वो ज्यादा दूर नहीं जाने वाला, क्योंकि चोप है हमारा जो काफी अच्छा डॉग है, और वो उसे पकड़ लेगा। मैं अपनी गन को निकाल लेता हूँ बाहर, और वो कहाँ जा रहा है साला, अच्छा इस बस के पीछे है वो। तो ओके, मैं गाइस मैं उसको पीछा करता हूँ, और ये कौन है बीच में साला, काफ़ी ज़्यादा यार सही बंदा है ये, तो इसके ऊपर से निकल गया वो। और राइट गाइस, तो मैं उसको पीछा करता करता काफ़ी ज़्यादा दूर आ चुका हूँ, और मुझे लगता है साइज से वो इनके सॉरी ट्रेन के जो ये डिब्बे होते हैं ना, इनके अंदर छुप गया है, और इसके अंदर तो नहीं है। तो मैंने चोप को बोल दिया, चोप उसके जो पैर को सूंघ कर ना वो पता लगा सकता है कि वो किसके अंदर है, कौन से वाले डिब्बे के अंदर है। तो इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर चेक नहीं किया मैंने अभी, इसके अंदर चेक कर लेता हूँ मैं, और इसके अंदर भी नहीं है यार। कहाँ चला गया वो, चौक किस तरफ जा रहा है, चौक के पीछे जाता हूँ मैं, चौक उस तरफ जा रहा है साइज से, वहाँ पे दो डिब्बे है अभी, उनको भी चेक कर लेता हूँ साइज से उनमें हो सकता है वो। अगर भाई वो बंदा मिल गया ना तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि उस बंदे ने मुझे काफ़ी ज़्यादा दौड़ा है यार, इससे थोड़ी ना होता है। ओके, मैं इस बंद चेक करता हूँ कहाँ जा रहा है, चल चल भाई चल, क्या करने लगा अभी, क्या सोचने लगा। अच्छा ओके गाइस, तो वो इसके टेनर के पास आया और वो यहाँ पे आके रुक गया है, मुझे लगता है शायद से वो इसी के अंदर हो सकता है, और मैं इसे खोल के चेक कर लेता हूँ। ओके गाइस, तो ये रहा, अबे साले चलो चोप, मैंने चोप को उसके पीछे लगा दिया, और वो चोप इसे पकड़ लेगा अपने आप, क्योंकि चोप ने अगर उसे काट दिया ना तो भाई उसे इतने ज्यादा टिक्के लगेंगे कि पता ही नहीं। ओ भाई, चोप ने उसे सच में काट लिया भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। ओके, इसको हाथ में काट दिया, और वो वहाँ पे लेमार भी आ चुका है, लेमार को मैं ले लेता हूँ। और ये बोल रहा कि मैं यार सीजी का बंदा हूँ, सीजी का बंदा हूँ, ये सीजी कौन है, ये किसकी बात कर रहे हैं। ये बोल रहा कि तुम्हें साइज से कोई गलतफहमी है, मैं जो तुम बोल रहा हो ना वो नहीं हूँ मैं।
मुझे लगता है शायद से ये अपने से बचने के लिए बोल रहा है। तो एक बार मैंने चोप को इसके पास बैठा दिया, क्योंकि वो अगर भागने का प्रयास करें ना तो चोप उसको काट लेगा फिर से। तो अभी मैं चलता हूँ अपने जो रूम पे और जाके उस बंदे से बात करता हूँ। पहले यार इसका वो बंद कर लेता हूँ, क्या बोलते हैं, रेडियो बंद कर लेता हूँ। यार एक काफ़ी ज़्यादा एक वेरिड चीज़ लगती है मुझे, अच्छी नहीं लगती। ओ साइज इसका नाम डी है और मुझे उसे अभी जाना होगा कहीं पे। तो रेड गाइस, तो मुझे अभी लिमार ने बताया कि ये बंदा जो हमने पकड़ा ना, ये जो वही बंदा नहीं जो जिसे हम पकड़ना चाहते थे। अभी मेरे पास किसी बंदे का कॉल आया, वो बोल रहा है कि मैं तो आपके साथ फोन कर रहा था और मैंने जो वो फोन था ना उस बंदे का, जो उस बंदे के जेब में डाल दिया, जिस बंदे का मैंने ट्रैक किया था ना, वो ओरिजिनल बंदा ये नहीं है, ये दूसरा बंदा। ये बोल रहा है कि तुम्हें इस बात को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगी, नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा इसका तुम्हें। तो रेड गाइस, तो मैं अभी उस बंदे को तो मैंने रस्ते में छोड़ दिया था और शायद से वो बोल रहा है कि मैं किसी बिलास गैंग का नाम ले रहा था और सीजी का कह रहा था कि मैं सीजी का आदमी हूँ और बिलास गैंग का आदमी हूँ। पता नहीं यार क्या सीन है इनका, बिलास गैंग के बारे में मैंने कभी सुना तो नहीं है। और यहाँ पे यार लॉस एंजेलिस के अंदर काफ़ी ज़्यादा गैंग्स हैं, हमें बच के रहना होगा। मुझे लगता है शायद से उस बंदे ने हमें तो पहचाना नहीं, क्योंकि हमने फेस पे मास्क लगाया था और जो लिमार है उसने मास्क अपना हटा लिया था, इसलिए ज़्यादा वो बोल रहा था लिमार तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है ये सब वगैरह। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि माइकल के पास जाता हूँ और उसी सारी घटना बता देता हूँ कि भाई ये उस सीन हुआ मेरे साथ, और वो हमारी साइड से कुछ ना कुछ मदद तो जरूर कर देगा उनके, क्योंकि उसकी गैंग के अंदर काफ़ी ज़्यादा जानकारी है और वो काफ़ी ज़्यादा यार बिजनेसमैन आदमी है ना, इसलिए इसकी माफिया वगैरह के अंदर काफ़ी ज़्यादा जानकारी है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम माइकल के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि भाई ये सीन हुआ है, अगर तू बिलास गैंग को जानता है तो उसे उन लोगों को बताते कि हमें मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते हमने उस बंदे को पकड़ लिया था। और वैसे भी हमने उस बंदे को मारा तो नहीं है, सिर्फ चोप ने उसे काटा था थोड़ा बहुत, तो उससे ज़्यादा कुछ दिक्कत तो होगी नहीं। अभी मैं सीधा माइकल के पास जाता हूँ और उससे बात करता हूँ इस सभी के बारे में, और साथ में हम अपने काम के बारे में भी बात कर लेंगे, क्योंकि मैंने उससे अभी फ़ोन पे बात तो की नहीं है, और जाके डायरेक्ट उसी से बात करते हैं। और राइट गाइस, तो मैं माइकल के घर के अंदर पहुँच चुका हूँ, तो मैं अपनी गाड़ी को अंदर रोक देता हूँ, क्योंकि पिछली बार तो मैंने गाड़ी को बाहर खड़ा कर दिया था, इसलिए किसी बंदे ने गाड़ी के अंदर ठोक दिया था और मुझे गाड़ी की सर्विस वगैरह करनी पड़ी, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो। और ये यार कौन, अभी कौन गिरा कुछ हाथ से? ओ माइकल की आवाज़ अंदर से आ रही है, ये बंदा कौन है? मैं देखता हूँ शायद से ये कौन है, गाड़ी लेके जा रहा है यार, इसने अपने कपड़े भी नहीं पहने। ओके गाइस, तो ये क्या सीन हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे? ओके तो गाइस, तो वो जो बंदा गया था ना वो टेनिस कोच था अमांडा का, ये अमांडा जो है वो माइकल की वाइफ है। तो अभी इसके साथ कुछ सीन हो गया जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, अभी मैं जाता हूँ। इसके माइकल बोल रहा है कि तुम मेरे साथ आओ यार, उस बंदे को थोड़ा सबक सिखाना होगा। तो अभी हम जाते हैं इस गाड़ी को लेके। ये किसकी गाड़ी है यार? माइकल बता रहा है कि तू माइकल जब बाहर से आया था ना, तो वो टेनिस कोच जो था ना अमांडा का, वो उस अमांडा के रूम के अंदर था। तो आप समझ सकते हो ना क्या सीन हो सकता है। तो अभी ये बोल रहे थे माइकल की मैं उसे मार डालूंगा, मैं माइकल काफ़ी ज़्यादा गुस्से के अंदर है, मुझे लगता है यार ये शायद उसे मार डालेगा। तो अभी ये बोल रहा है कि तुम गाड़ी को फास्ट चलाओ और उसका पीछा करो जल्दी से। तो अभी वो काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुका है वो बंदा, साइड से इसने लेफ्ट टर्न लिया था, अभी मैं उसकी भी पीछे आ चुका हूँ। और राइट गाइस, तो ये बंदा अभी इसने ये रही साइड से, ये उसी की गाड़ी है साइड से, वो इसी के घर के अंदर है। तो मैं अभी ओके, तो उसकी गाड़ी का जो गेट है वो भी खुला है, वो रहा जो ऊपर है ना वही है। ओके तो माइकल उसे यही से गाली निकाल लेगा। ओके तो वो बंदा बोल रहा है कि तुम्हें कुछ गलत लगा है, ये जो तुम जो सोच रहे हो ना वो वैसा कुछ नहीं है भाई, मुझे तो कुछ आइडिया आया नहीं इसके बारे में अभी। ओके माइकल बोल रहा है कि मैं उससे बात करता हूँ और बात करके देखते हैं। अबे ये क्या कह रहा है माइकल? बोल रहा है कि हमें काम करते हैं कि इस गाड़ी के अंदर जो रस्सी गिरा है, वैसे रस्सी नहीं है ये लोहे की वायर है, इसके अंदर एक हुक लगा हुआ है। ये बोल रहा है कि जो इस घर के जो नीचे जो पिलर लगे हैं ना उसके अंदर लगा दो तुम, और इस जो गाड़ी से हम इस घर को नीचे गिरा देंगे। तो यार मुझे तो लगता नहीं कि ये गाड़ी इस घर को नीचे गिरा सकती है। और ये बंदा बोल रहा है कि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी स्टोरी है, मैंने जो तुम सोच रहे हो ना वैसे मैं कुछ नहीं कर रहा था। और माइकल बोल रहा है कि यार अब तो तेरी खैर नहीं है, तू तो मरने वाला है। और यार मैंने भी माइकल के कहने पर हुक लगा तो दिया, बाकी अब आगे पता नहीं क्या होने वाला है। तो यार माइकल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में लग रहा है, मुझे लगता है वो साइज से इस घर को गिराने वाला है। और ये कौन है लड़की यार साइज से? मुझे लगता है इसने अभी किसी को कॉल किया है, पता नहीं किसको कॉल किया है, पर लेकिन माइकल को मैंने समझाया कि यार माइकल एक बार सोच ले। ओह भाई ये क्या किया भाई, ये तो सोच में गिर गया यार, काफ़ी ज़्यादा सही गलत सीन हो गई है। तो और मुझे लगता है कि वो कोच और वो लड़की दोनों साथ में गिर गए हैं, शायद से मर भी सकते हैं वो। और माइकल बॉय यार काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, और वो बोल रहा है कि यार इतनी देर तू वो हंस रहा था, अब क्या हुआ उसका? तो अब यार मैंने माइकल को बोल दिया कि जल्दी से यहाँ से चलते हैं, अगर यहाँ पर पुलिस वगैरह का जो लफड़ा हो गया तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से गाड़ी लेके चलता हूँ और माइकल को उसके घर पर ड्रॉप करके कल सुबह माइकल से बात करता हूँ।
तो राइट गाइस, तो अभी उस बंदे का माइकल के पास फोन आया और माइकल को वो बोला कि जिस घर को तुमने गिराया ना वो घर मेरा नहीं था, मैं तो उस घर के अंदर सिर्फ छिपा हुआ था, घर किसी मार्टिन मद्रासो नाम के बंदे का था। और मार्टिन मद्रासो को मैं तो जानता नहीं यार, पता नहीं कोई वो लड़की जो थी ना वो मार्टिन मद्रासो की गर्लफ्रेंड थी, और वो बता रही थी कि मार्टिन मद्रासो काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है, वो गैंगस्टर बंदा है और वो काफी ज्यादा बड़ा बिजनेस मैन है और एक दो गैंग को वो भी लीड करता है। अभी मैंने माइकल को बोल दिया कि यार आज काफी ज्यादा सीन हो चुका, तो तुम घर में अभी घर जा रहा हूँ, मैं कल बात करता हूँ। वेट, ये कौन है, ये किसकी गाड़ी आ गई, ये काफी ज्यादा बंदे आए इस गाड़ी के अंदर। ओके भाई, मैं नहीं जानता कौन है तू। ओके तो भाई जी, मेरे से मेरा लाइसेंस मांग रहा है, तो मैंने उस बंदे को लाइसेंस तो दे दिया है। अबे काफी गुस्से में, और वो ये लड़की भैया ना जो टेनिस कोच के साथ जो थी, ये बोल रहा कि तुम मार्टिन सॉरी माइकल डिसांटो को बताओ। मैंने अभी आइडिया लगाया ये कि तुम शायद से मार्टिन मद्रासो हो सकते हो, तो ये बोल रहा कि मैं मार्टिन मद्रासो हूँ और बताओ कि मैं मार्टिन मद्रासो कौन है। तो मुझे लगता है कि शायद से मार्टिन मद्रासो को, मैंने माइकल को बताया कि मार्टिन मद्रासो एक काफी ज्यादा बड़ा बिजनेस मैन है और उसके साथ माफिया वगैरह की जानकारी भी है और वो लिबर्टी नाम की गैंग को लीड करता है और ये काफी ज्यादा खतरनाक बंदा है, हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए था। अगर मैं आया तो माइकल के साथ उस अपने लफड़े को सुलटाने के लिए था, लेकिन मैं अब खुद इसके लफड़े में उलझ गया हूँ। शायद मुझे लगता है कि इसका लफड़ा मुझे सुलटाना होगा। और ये इस बास्केटबॉल का क्या करने वाला है, अब भी यार ये माइकल को फिट रहा है और इनके पास गन भी है, मेरे पास गन नहीं है, तो भी काफी ज्यादा है और इन लोगों से हम पंगा नहीं ले सकते क्योंकि ये काफी ज्यादा यार बड़े लोग हैं, इनसे भी हमारी औकात नहीं है इनसे कि हम इन लोगों से बात करना जो राड कर सकते हैं। तो यार मार्टिन मद्रासो तो अब अपनी गैंग को लेकर जा चुका है, तो वो जाने से पहले वो बोल के गया था कि तुम्हें मेरे घर का जो खर्चा लगा होता है वो देना पड़ेगा, वो करीब 2.5 मिलियन के करीब उसने हमें जो खर्चा बताया, वो बोला कि ये इस घर को दोबारा बनाने के लिए इतना खर्चा लगेगा, तो वो पैसे तुम्हें देना होगा, अगर तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे घर को भी तोड़ दूंगा और साथ में तुम लोगों को भी मार दूंगा मैं। यार ये काफी ज्यादा रिस्की काम हो गया है, हम तो उस टेनिस कोच को सबक सिखाने गए थे और शायद उसने हमें सबक सिखा दिया। तो अभी माइकल बोल रहा है कि तुम्हें मुझे अपने दोस्त से लेस्टर से बात करनी होगी। और राइट गाइस, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो अगर आपको ज्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और कौन सी वाली चीज आपको अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताएं।